आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी से कौन वाकिफ नहीं है, सभी को पता है कि इन दोनों की जोड़ी कितनी लोकप्रिय है। ये जब भी साथ में कोई फिल्म रिलीज करते हैं तब वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। हालांकि इनकी रियल लाइफ में जोड़ी नहीं बन पाई, लेकिन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। जहां वरुण धवन की शादी होने वाली है, वहीं आलिया भी रणबीर कपूर के साथ शादी के बारे में सोचती होंगी। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। वरुण धवन नताशा दलाल के साथ 24 जनवरी को शादी के बंधन में बनने वाले हैं। वहीं आलिया भट्ट का इसी साल शादी करने का इरादा हो सकता है। वरुण धवन की शादी के मौके पर आलिया ने कहा कि वरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बेहद खुश हूं कि वे शादी करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि वे अपनी लाइफ में बेहद सुखी रहें और अपनी धर्म पत्नी नताशा दलाल को खुश रखें। खबरों के मुताबिक सुनने में आई थी कि आलिया किसी समय वरुण धवन की गर्लफ्रेंड थी, परंतु इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव के कारण इनका ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। तभी आलिया ने रणबीर कपूर की तरफ देखा और वरुण ने भी आगे बढ़ने की सोची और नताशा दलाल के साथ रिश्ता बनाया। अब ये दोनों स्टार अपनी अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। अब ये तो पता नहीं कि क्या इनके बीच अभी भी थोड़ा बहुत प्यार है या नहीं, परंतु ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर दोस्तों हमारी तरह आपको भी आलिया और वरुण की जोड़ी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, अगर नहीं लगती है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में वरुण की शादी की शुभकामनाएं जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।